हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एसके मैथमस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लाभ हानि का 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, 20% के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। सबसे पहले इसको हमेशा देख लेते हैं क्या कि इसका पहला कीमत मालूम है। जो लागत मूल्य दिया रहता है ना, वो हमेशा क्रय मूल्य कहलाता है। वो इसका सीपी मालूम पता चल गया कितना, 150 रुपया। इसमें दिया है लाभ, आप लोग को जस्ट बता दिए थे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा, क्योंकि 20% का लाभ का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1/5 होता है। 20% लाभ का वैल्यू 1/5 होता है। इसमें हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ तीनों निकल जाएगा। अब सीपी पूछेगा और एसपी पूछेगा और लाभ पूछेगा। अगर लाभ की हैगा, ऊपर का जो अंश होता है वो हमेशा लाभ कहलाता है, लाभ आपका 1 रुपया हो गया। हर जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य कहलाता है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 5 रुपया हो जाएगा। अब ये एक में हम यानी 5 में 1 जोड़ देंगे तो वो हमेशा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है, अगर क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कर दीजिए, अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दीजिए, अगर लाभ दिया रहेगा तो लाभ बराबर लाभ कर दीजिए। आपको मालूम क्या है, सीपी मालूम है। यहाँ सीपी कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 बराबर कर देंगे 150। 1 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 30 रुपया आ जाएगा। अब 1 का वैल्यू 30 आ जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं क्या दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, दूसरा विक्रय मूल्य मेरा क्या है तो 6 है, दूसरा विक्रय मूल्य 6 है, जिसका मतलब 6 से गुना कर देंगे, 30 × 6 ये बन जाएगा 180 रुपया आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा रूप हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। दूसरा रूप में इससे भी छोटा बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लागत मूल्य हमको मालूम है 150 रुपया और लाभ मालूम है हमको कितना, 20%। तो डायरेक्ट कहता है क्या, एसपी निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, वे वैल्यू सीधा गुना करते हैं, और सीपी रहता है तो वे वैल्यू हमेशा उल्टा गुना करते हैं। ये बन जाएगा मेरा 150 गुना 20% लाभ है, तो 20% लाभ का वैल्यू डायरेक्ट आप मान भी सकते हैं या नहीं तो हमेशा तुलना भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 20% 120 बटे हो जाएगा कितना, 100 खत्म। ये हो जाएगा 12 × 15 / 15 = 80, 180 रुपया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक दुकानदार ने 200 चीज एक समान मूल्य पर खरीदी, उसने अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% का लाभ पर। यदि उस दुकानदार का लाभ 2600 रुपया हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है। हमेशा इस पर एक चीज़ याद रखेंगे, कह रहा है यहाँ पे क्या कि 200 चीज़ें अगर एक चीज़ का कीमत 1 रुपया तो 200 चीज़ का कीमत 200 रुपया। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे, एक दुकानदार ने 200 चीज़ एक समान मूल्य पर खरीदी, मतलब एक समान मूल्य पे खरीदा, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि एक वस्तु का कीमत 1 रुपया है तो 200 वस्तु का कीमत कितना रुपया होगा, 200 रुपया। तो पहला मेरा यहाँ पे क्या हो गया, सीपी जो कहलाएगा वो 200 रुपया कहलाएगा। अब क्योंकि एक वस्तु का कीमत हम 1 रुपया माने तो 200 वस्तु का कीमत डायरेक्ट हो जाएगा 200 रुपया। अब याद रखेंगे 200 वस्तु का कीमत हमेशा 200 रुपया हो गया, तो यहाँ पे कहता है उसने अपनी 30% चीज़ 20% लाभ पर और शेष 10% लाभ पर बेचा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 30% एगो होता है, एगो 30% एक वैल्यू मेरा हो जाएगा और शेष जो बचेगा वो 70 बचेगा। ये दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमेशा याद रखेंगे क्या कि 200 चीज़ है, एगो 30% था एगो 70 था, तो 100 में 1 30 चल गया तो बच गया कितना मेरा 70, ये शेष भाग बच गया। तो ये शेष भाग बच गया, तो ये पहला वस्तु ये शेष भाग का। अब इसमें हम क्या करेंगे, 101 खत्म 101 खत्म 101 खत्म, मतलब तीनों का 3 0 हम क्या किए, कटा दिए, इसका 1 0 इसका 1 0 इसका 1 0। तो अब इस वस्तु का हमेशा जब भी करते हैं, ये हो गया 20 × 3 ये हो गया 20 × 60 ये हो गया मेरा 20 × 7 तो ये हो गया मेरा 140। अब यहाँ पे कह दिया कि 200 रुपया था उसमें 30% का यानी 200 रुपया का 30% लिया तो कितना 60 लिया, फिर 200 रुपया का शेष जो बचा 70% तो कितना लिया 140 लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये 60 जो है इस पर वो क्या क्या है 20% का लाभ लिया, और 140 जो है इस पर क्या क्या है वो 10% का लाभ लिया। अब 20% का लाभ लेगा तो ये परसेंट और ये जीरो और ये जीरो कटेगा, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर 10% लाभ लेगा
ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटेगा तो 14 × 1 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। एगो 12 रुपया का लाभ हुआ, एगो 14 रुपया का लाभ हो गया, तो कुल लाभ ये दोनों मिल करके कितना हो गया, 26 रुपया का हो गया। और हमको कुल लाभ मालूम है कितना रुपया, 26 रुपया, तो लाभ बराबर हम लाभ कर सकते हैं। तो 26 बराबर कितना हो जाएगा, 2600। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100। यानी एक वस्तु का जो लागत मूल हो गया मेरा कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, यही उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरा नंबर आराम देख रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे क्या कि एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है, यदि एक माह में उसकी बिक्री 791,000 रुपया थी तो उसका लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले हमेशा आप लोग को जस्ट बताए थे पीछे वाला वीडियो में, या तो आप लोग लाभ प्रतिशत का वैल्यू बना के भी निकाल सकते हैं, या तो हमेशा विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकाल करके तब लाभ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, न तो इसमें क्रय मूल्य निकालना है न तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो हमको दिया हुआ है, ये सिर्फ डायरेक्ट इसको हम लाभ कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपका SP मालूम है 791,000 रुपया, उस पर आपको क्या कह दिया है कि लाभ है, तो लाभ जो है आपका 13% है। जब लाभ 13% है तो लाभ 13% का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 13 बटे हो जाएगा 100, 13 बटे 100, 13% का वैल्यू 13 बटे 100। अब इस पर आप हम निकाल सकते हैं क्या कि CP एक हो गया, SP एक हो गया, लाभ। अब ये तीन चीज़ हमको मालूम हो गया, अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन पूछे थे बताए थे, ये हर जो होता है वो आपका CP कहलाता है, ये अंश जो होता है वो आपका लाभ कहलाता है, और ये दोनों मिल करके वो क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। तो सबसे पहले CP हो गया आपका 100 रुपया, अब SP बन गया आपका, 100 में 13 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 113 रुपया, तो लाभ आपका बन जाएगा क्या, तो 13 रुपया लाभ बन जाएगा। अब यहाँ आपको जो दिया है उसके बराबर यहाँ कर सकते हैं, आपको दिया है SP मालूम है कितना, 113, तो 113 बराबर इतना कर सकते हैं, ये बन जाएगा 113 बराबर 791,000 रुपया। अब 113 से हम कटा सकते हैं कितना बार में, तो 7 बार में ये कट जाएगा, ये निकल गया आपका 7000, एक का वैल्यू निकल गया कितना, 7000 निकल गया। अब यहाँ पूछता है कि उस वस्तु पे लाभ कितना हुआ, तो लाभ मेरा कितना है, 13 है, तो 13 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ये लाभ बराबर हो जाएगा 13 × 7000, तो 13 × 7 = 91,000 उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो 7000 में 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये नंबर CP निकल जाए। 19 हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि नीति ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 20 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, उसने रुपया 45 प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरे की संख्या क्या है। सबसे पहले हमेशा यहाँ पे देख लेंगे क्या कि नीति का राय 40 प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरा खरीदा, जितना 40 रुपया प्रति भाव के दर्जन से खरीदा संतरा, उतने ही संतरा 30 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। इसका मतलब मान लेते हैं क्या कि एक संतरा है और एक संतरा है, इसको खरीदा 40 रुपया प्रति की दर से और इसको खरीदा 30 रुपया प्रति की दर से, ये दोनों CP बन जाएगा। CP मेरा क्या बनेगा, ये दोनों गुना होके होगा 40x, तो ये गुना होके हो जाएगा 30x, ये दोनों निकल जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना निकल गया, तो 40 30 70x इसका मेरा क्रय मूल्य निकल गया। अब इसमें क्या कहता है कि दोनों मिला करके बेच दिया किसके भाव से, 45 के भाव से, दोनों वस्तु को जब मिला देता है तो वो बेच देता है 45 के भाव से। अब दोनों वस्तु मिलेगा तो x + x कितना हो जाएगा, ये बनेगा 2x होगा। अब इसको क्या करता है, 45 के भाव से बेच देता है, वो क्या निकलेगा, SP, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 45 × 90x हो जाएगा। अब खरीदे हम 70 में, बेच दिए 90 में, तो हमको यहाँ पे लाभ प्राप्त चल गया, तो लाभ दोनों का क्या हो गया, तो ये लाभ बराबर हमको दे चुका है लाभ। अब दोनों वैल्यू आपस में बराबर करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 90 में 70 जाएगा, तो 20 का लाभ हो जाएगा, ये होगा 20x बराबर लाभ दिया है कितना संतरा, तो 480 दिया है, ये बराबर हो जाएगा 480, 0 से 0 कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये आ गया कितना 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया 24। अब यहाँ पे पूछता है कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरे की कुल संख्या कितना थी, तो
तो संतरा की कुल संख्या, पहले संतरा x था फिर उसके बाद x था, तो कुल संतरा की संख्या कितना 2x, तो यहाँ x का मान आ गया कितना 24। तो ये हमेशा क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे, तो ये बन जाएगा मेरा कितना 2x में गुना कर देंगे, 2 गुना हो जाएगा कितना 24, तो 24 दुना 48 संतरा की संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन समान है। हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, मनिंदर ने 40,000 रुपया में प्रत्येक घोड़ा की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसने दूसरे घोड़े को हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है। इसमें सबसे पहले हमेशा याद रखेंगे, 2 घोड़ा का क्रय मूल्य मालूम है, 2 घोड़ा का क्रय मूल्य मालूम कितना है, कहता है एक घोड़ा को 40,000 में बेचता है, तो 2 घोड़ा को 40,000 में वो क्या करता है, बेच देता है। अब फिर यहाँ पे क्या किया कि पूरे सौदे में 3600 रुपया का हानि हुआ, ये हानि जो है वो पूरे सौदे में हुआ हानि। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि जब हानि हमको हो गया कितना 3600 रुपया, तो क्रय मूल्य है हमको 80,000, हानि है 3600, तो यहाँ विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना होगा, 80,000 में हम 3600 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ बन गया 7, ये होगा 76,400 रुपया क्या हो जाएगा, वो घोड़ा का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य जो है वो दोनों घोड़ा का विक्रय मूल्य है, 2 घोड़ा का विक्रय मूल्य हमको निकल गया 76,400 रुपया। अब हम यहाँ क्या कहता है सवाल में कि 2 घोड़े खरीदे, उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक घोड़ा का क्रय मूल्य जो है वो 40,000 रुपया है, एक घोड़ा का क्रय मूल्य 40,000 रुपया है, इसको क्या किया है, वो 15% लाभ पर वो बेच दिया है। अगर 15% लाभ पर बेच देगा तो इसका विक्रय मूल्य मेरा निकल जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40,000 गुना हो जाएगा 115/100, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब हम 115 में 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 के 20, 4 2 6, ये होगा 4, ये बन जाएगा मेरा कितना 46,000 रुपया हो जाएगा दूसरे घोड़ा का विक्रय मूल्य। अब पूछता है यहाँ पे क्या, पहले घोड़ा का विक्रय मूल्य पहले घोड़ा पे था 15% लाभ, तो 15% लाभ का विक्रय मूल्य निकल गया। अब दूसरे घोड़ा का विक्रय मूल्य पूछेगा, अब कुल विक्रय मूल्य हमको मालूम था 76,400 और दूसरे घोड़ा का विक्रय मूल्य 76,000 यानी 46,000। अब ये दोनों का अंतर जो होगा वही दूसरे घोड़ा का विक्रय मूल्य कहलाएगा, ये दोनों का अंतर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा अंतर बराबर, ये टोटल हो जाएगा 76,400 में से 46,000 को घटा देंगे, ये बनेगा 0, 0, उसके बाद हो जाएगा मेरा 14 में से, ये हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा फिर 0, ये 3, यानी 30,400 रुपया दूसरे घोड़ा का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला स्टेप क्वेश्चन देखते हैं।